मिताशी चल तो वेट 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 इधर आओ मिठू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपने साथ लाई हूँ अपने वॉकिंग एरिया टूर कराने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितने एरिया में वॉक करती हूँ इवनिंग की, कितना कवर करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या लोकेशंस है। और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, मतलब वॉक करते टाइम, और रोड खाली भी रहती है जब मैं वॉक करती हूँ। और आज मुझे कंपनी देने के लिए आई है मेरे साथ में मिताशी। तो आज हम दोनों वॉक करेंगे और मैं आप लोगों को अपने साथ वॉक कराऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ वॉक करती हूँ। चलो मास्क नीचे करो बेटा थोड़ा सा। तो अब हम इस सामने जो गेट दिख रहा है ब्यूटीफुल सा, उससे राइट हैंड चले जाएंगे और वहाँ हम वॉक करेंगे। इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड, अराउंड 500 मीटर्स की होगी, यहाँ पे हम वॉक करेंगे। और मिताशी आज मेरे साथ इसलिए आई है क्योंकि सैटरडे है और इसने बोला मम्मा मैं भी चलूँगी, तो मैं उसको लेके आ गई हूँ। मिताशी डू नॉट टच एनीथिंग बेटा। हाँ चलो मैं ओपन करूँगी, आ जाओ। सो दिस इज़ द रोड और ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, बट ये अंदर की तरफ है तो उसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, गाड़ियाँ इतनी नहीं आती हैं। तो अब हम चलिए वॉक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी अपने एक व्लॉग में दिखाई थी, बट वो थोड़ा सा इसमें कवर किया था वारा लक्ष्मी वाला जो मेरा पूजा का व्लॉग था, उसमें उस दिन मैं इस रोड पे वॉक कर रही थी, राइट लेफ्ट साइड में सॉरी इस रोड पे। और अभी खाली है तो मैं सीधा सीधा जाऊंगी और इस रोड से जाते हैं तो घर आते हैं। आ जाओ गाड़ी आने तो पीछे है ना वो, तो आने दो देख के नीचे। मिताशी तुम इतना हाथ मत हटाओ मेरे ऊपर से। बस ध्यान देना मिठू, पीछे गाड़ी वाड़ी आएगी तो। इस रोड पे समटाइम्स लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं, लर्न करना, जैसे कि ये गाड़ी वाले भाई सब सीख रहे हैं, तो विच इज़ नॉट अलाउड। लेकिन अभी लोग कम हैं यहाँ पे तो इसलिए कोई इन्हें टोक नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे शाम को क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं इस एरिया में, साइकिल चलाते हैं और बड़े बुजुर्ग वॉक करते हैं, तो इसलिए मना है। बट आज पता नहीं क्यों, शायद सैटरडे, इसलिए भी बहुत कम लोग हैं, मतलब दिख ही नहीं रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये अपना व्हीकल लर्न कर रहे हैं। चलिए हम वॉक करते हैं, लेकिन हम तो वॉक करने ही आए हैं, तो लेफ्ट में कोई नहीं आएगा फिर। ये देखिए ये एक लेन है, इस टाइम खाली है क्योंकि आज सैटरडे है, लोग अपने बाकी काम में मशगूल होंगे, नहीं निकले हैं। तो आज मेरी वॉक तो क्या ही हो रही है, मिताशी पूरे फुल मज़े उठा रही है वॉक का, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है इसलिए। एरिया दिखाओ मुझे कहाँ पे क्या है। ये वाली बिल्डिंग थी जो मैंने आपको अपने एक व्लॉग में दिखाई थी, जो हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए थे और उनके घर से ये बिल्डिंग नज़र आ रही थी रेड कलर की, तो मैंने आपको ये दिखाई थी। हाँ कुछ कुछ लोग हैं अभी बैठे हुए, तो ये देखिए पूरा ग्रीन टी। तो ये रोड यहाँ पे जाके एंड हो जाती है जो सामने आपको दिख रहा है, फिर यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे।
ये रोड यहाँ पे हो गई एंड, अब हमें यहाँ से लेना है यू टर्न। और वो हमारे फ्रेंड्स का घर यहाँ से तो दिखता नहीं, बट ये समवेयर उधर बिल्डिंग के साइड में है जहाँ से हमने ये रेड वाली बिल्डिंग दिखाई थी, ये वाली बिल्डिंग। चलो हम ये देखिए वापस मुड़ गए हैं, तो ये सीधी एंड में हमें जाना है, और एंड एंड से थोड़ा सा पहले ही लेफ्ट में फिर वो मंदिर का गेट है। इधर में जाना है ना, मम्मा दिखाएगी ना सबको, देखना है हम कहाँ वॉक करते हैं, तो हम इधर जाएंगे लेफ्ट में। नो नो दिस साइड, हियर हियर दिस साइड, लेफ्ट कम हियर। ये वो रोड है जब शाम को कभी कभी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, ये मेन जो लॉन्ग रोड है, तो मैं इस रोड को अपना वॉकिंग स्पेस बना लेती हूँ, मैं इसी रोड पे कंटिन्यू फिर करती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचती हूँ मैं। ये देखिए कहाँ जा रही हो मिताशी, कहाँ जा रही हो आप, चलो टेक अ टर्न। ये वो रोड, तो मैं प्रॉपर वॉक कर लेती हूँ इस एरिया जो मेरा है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और आपको दूसरा एरिया दिखाऊंगी, एक मंदिर है वो वाला, जहाँ पे वहाँ पे भी मैं कभी कभी जाती हूँ वॉक करने जब यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है तब। तो चलिए आपसे मैं वहीं मिलती हूँ। वापस इसमें जाएंगे, इधर सीधी तक रोड है बट मैं यहाँ तक जाती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी नैरो है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो। चलो तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जहाँ मैं वॉक करती हूँ उस एरिया स्पेस में एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है जो इस टाइम बंद है, वो शाम को खुलता है अराउंड 6 o'clock, और अभी ये बंद है ये क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:15 हो रहे हैं, इसलिए ये देखिए दिस इज़ द टेम्पल, मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये एक छोटा सा टेम्पल है, ये गणेश जी का टेम्पल है, इसमें गणेश जी हैं, और ये वह है एक बड़ा वाला टेम्पल, इसमें बहुत सारे भगवान हैं, कुछ देवी जी हैं और एक मेन है मंदिर, ये श्री वेंकट रमन्ना टेम्पल है। तो अब हमारे नॉर्थ में ये कौन से भगवान कहे जाते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। ये देखिए यहाँ से पूरा वहाँ तक है ये टेम्पल, आ जाओ मिठू मन्ना, और मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ये देखिए, इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत ये ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं ये, और ये जस्ट मंदिर के फ्रंट में, ये मंदिर का मेन गेट है जो कि बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ ऐसे मेन रोड से अलाउड नहीं है, अंदर अंदर से आनी पड़ती है, हम भी अंदर से आए हैं। और ये है मंदिर का दूसरा गेट, ये मंदिर का दूसरा गेट है, आओ मिठू।
मैं बता रही हूँ ड्रामे नहीं, ये मैडम थक गई हैं और मुझे कह रही हैं घर चलो, मैं वॉक करने आई हूँ। मैदाशी बोला था मैंने आपको मत आओ। मैं अभी नहीं जाऊंगी, मुझे वॉक करने दो, अभी मुझे दो राउंड और मारना है इस एरिया का। हाँ देखिए ये जंगली फ्लावर है बट बहुत प्रिटी है। ये डॉगी हमें हमेशा दिखता है यहाँ पे जब हम वॉक करते हैं। उसको क्यों देख रही हो? मिताशी को साथ लाए तो फुल तैयारी के साथ आना पड़ा, नहीं तो मैं वॉक करके आती हूँ घर से, आज स्कूटी से आई हूँ क्योंकि ये है साथ में, इतना वॉक नहीं कर पाएगी। अब इनको लगी है प्यास, पी लो पानी। बैठोगी आप यहाँ पे, मैं यहाँ वॉक कर लूँ थोड़ा? हाँ हाँ ठीक है, कहीं जाना नहीं, यहीं रहना। आज की वॉक यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है बट मेरी वॉक कंप्लीट नहीं हुई है, तो अब हमें जाना पड़ेगा घर। और ज़्यादा वॉक नहीं हो पाया मेरा, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग, पानी गिरने लगा। रेनबो अभी कहाँ निकलता, धूप आती है तब निकलता ना बेटा। शी वॉन्ट्स टू सी रेनबो, क्योंकि एक दिन मैं आई थी वॉक में, मैंने बताया था बारिश तेज हो गई है तो उस टाइम पे रेनबो हल्का हल्का निकला था, तो उसका मैंने वीडियो कैप्चर किया था, इसको दिखाया वो मैंने कि देख आज रेनबो निकला था, मैं मम्मा वॉक करने गई, तो अब ये आने से पहले इसने बोला था मम्मा मुझे रेनबो दिखाना है जहाँ पे आप वॉक करते हो वहाँ पे रेनबो निकलेगा। तो अब मैं चलती हूँ घर क्योंकि बारिश थोड़ी तेज़ सी हो रही है ना, और भीगने का डर है। और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वॉकिंग एरिया स्पेस या टूर या जो भी कह लें अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक थम्स अप दे के जाइएगा। और बारिश बहुत तेज हो गई, मिताशी से बाय, वी आर गोइंग, बाय, वी आर गोइंग, हाँ ठीक है ठीक है, बारिश बहुत तेज हो गई।